कोहिनूर जो मुंब्रा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है। लाया है मुंब्रा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा। स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुंब्रा कौसा। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। इस समय मौजूद है मुंब्रा के कौसा कब्रस्तान, उसके ठीक सामने ही आप देखेंगे यहाँ पर हसन जनरल स्टोर है। पान और तंबाकू वगैरह यहाँ पर बेचा जाता है। और यहाँ पर आज अभी कुछ देर पहले ही मारपीट की घटना हुई है, जो दुकानदार हैं उनके साथ मारपीट की गई है। क्या पूरा मामला हुआ था, इन्हीं से हम बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? कलीम अहमद। और क्या हुआ था, आपके दुकान में मारपीट की गई आपके साथ और आपके सामान वगैरह सब बिखेर दिया गया? भी हुआ है और मारपीट भी करे हैं। 3-4 दिन पहले वो जो बंदे ने मारा है उसका लफड़ा हुआ था, तो उसके वजह से हमारी दुकान पे ला ला के उसको मारे थे, तो काउंटर वगैरह हिल के मेरा सामान पूरा डैमेज हो गया था। तो मैं उसको बोला कि मेरे अब्बा उसको बोले कि 160 रुपये मेरा नुकसान हुआ है बढ़ने का, वो दे दे। उसके बाद वो उस दिन तो बोला दूंगा और आज आया तो बोलता नहीं दूंगा। तो मैं उसको बोला ठीक है भाई मत दे, मैं भूल जाता हूँ, मैं बंगला थोड़ी खड़ा कर लूँगा या तू बंगला थोड़ी खड़ा कर लेगा 160 रुपये में, छोड़ जाने दे। उसके बाद वो स्टिंग लिया, बोलता मैं तेरी ही दुकान से सामान लूँगा और तेरे को देना पड़ेगा। मैं बोला मैं दूंगा ही नहीं, तेरे को जो करना है कर ले, मैं सामान तेरे को एक भी नहीं दूंगा। तो स्टिंग निकाल लिया, बोलता मेरे को वो दे सिगरेट दे, मैं बोला नहीं दूंगा। तो उसके बाद बोलता स्टिंग का भी पैसा नहीं दूंगा, बोला मत दे जा। उसके बाद वहाँ गया, मेरे को इतना बड़ा पत्थर खींच के मारा, बोलता तू मेरे बाप को, मेरे बाप पे क्यों गया? मैं बोला जब से तू मेरी माँ बहन निकाल रहा मैं चुप बैठूंगा। तो वो भी मैं 160 में उसकी कितनी गाली सुन के लिया, इतना बर्दाश्त किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले ये लोग हैं? कहाँ के रहने वाले आप, जान पहचान के जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। हम लोग आते हैं दुकानदारी करते हैं घर, कुछ किसी से कुछ मतलब नहीं, किसी से कुछ झगड़ा नहीं। इसने मारपीट किया उसको जानते? हाँ हाँ, फरदीन का वो कस्टमर है, उसने किया। हाँ, उसने पूरा ये तोड़ फोड़ ये सब उसी ने किया। बोलता मैं पठान का बच्चा हूँ, देखो जो करना है कर, जो चौकी में जाना है जा, जिसको बोलना है बोल। तो पुलिस को आप बुलाए? हाँ, पुलिस आए थे, वो बोले कि बड़ी चौकी में जाने। आप 160 रुपये का मामला बता रहे हैं कि कुछ नुकसान हुआ और लोग किसी से लफड़ा कर रहे थे, यहाँ लफड़ा होने लगा, तो क्या नुकसान हुआ था आपका? 160 ऐसी एक पढ़नी थी, वो पूरा वहाँ पर गिर के पूरी चपटी हो गई थी। तो अब्बा वही बोले थे खाली मेरे को दे देना, तो जब भी तो हाँ बोला मैं दे दूंगा, अभी बोलता नहीं दूंगा। मैं उस पर भी ज़बरदस्ती नहीं किया, बोला चल जान दे यार, दुकानदारी करना है हम लोग को यार, रोजाना झगड़ा थोड़ी करना है, मत दे जान दे छोड़। उसके बाद से माँ बहन तेरा ये वो और सामान भी यहाँ रखा हुआ था, वहाँ से सामान लेके आया था। तो अभी जो मारपीट हुई उसमें कितने लोग थे? वो अकेले 3 जन थे, एक ब्लैक टी शर्ट में था, वाइट कलर वो चिकना सरी का, वो पीछे उन लोग उसका फ़ायदा उठाया, पहले उसने मारपीट किया, घुस के यहाँ बैठ के मेरे को मारा है, सब सामान तोड़ा ओड़ा, उन लोग आके पूरा उसमें से क्या क्या निकाले इसमें से पूरा निकाल के लेके गए। सीसीटीवी फुटेज है? सीसीटीवी तो चालू है। पुलिस वगैरह में आपने कंप्लेन किया? अभी जा रहे करने जा रहे। पुलिस आई थी यहाँ पर? जी, एक पुलिस वाले आए थे, वो बोले कि वहाँ जाओ ना, कहाँ पे? बड़ी चौकी। तो आपको कहाँ कहाँ पे मार लगा है ये पूरा? उस दिन जब झगड़ा हुआ था मतलब कितने दिन के पहले? 2-3 दिन? 3 दिन। कौन था उस दिन दुकान पे? आप ही थे? 3 दिन पहले हुआ था। उस दिन दुकान पे आप ही थे? हाँ मैं ही था, मैं ही था। अरे मैं ही उन लोग को हटा रहा था, और नहीं हटाता तो मेरा और नुकसान होता उस टाइम पे भी। हाँ, और नुकसान होता मेरा। तो यानी 160 रुपये आप मांगी, वही विवाद बढ़ता गया और आज डायरेक्ट अंदर घुस गया। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर मारपीट हुई है, ये क्या कौन है आपकी? ये नाटा लड़का है। अच्छा। मैं उसका अब्बू पिता हूँ। मारपीट हुई तो आप यहाँ पर थे? मैं नमाज पढ़ने गया था, अभी तो आया हूँ। मैं नमाज को गया, अभी आया हूँ, और परसों भी हुआ था तो मैं नमाज को ही आज गया था। यहाँ पे सब गिरावर आके गए थे,
तो मैं बोला बेटा ये सब अच्छी बात है, गुंडागर्दी करना, टपोरीगिरी करना, नुकसान पहुंचाना, क्या मिला क्या नुकसान करके? 160 रुपये का नुकसान हुआ है आपकी वजह से, अन्य टूट गया, सामान टूट गया, तो बोले मैं दे दूंगा। और फिर कल लेके गया यहाँ से, मेरे सामने निकाल के स्क्रीन लेके गया, बोले मैं दे दूंगा। फिर आज बोलता कि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो फिर लफड़े झगड़े, मांगो सामान दो, सामान दो तो फिर लफड़े झगड़े। कि मैं कल का पैसा दे दिया, नहीं मैं बोला कहाँ दिया बता मेरे को, नहीं दिया, कल का भी नहीं दिया, उसके पहले का भी नहीं दिया, आज का भी नहीं दिया, बोलता जो उखाड़ना उखाड़ ले, वो ऐसे ही बोलता है। तो आपने सुना कि यहाँ पर जिस शख्स ने इनके साथ मारपीट की है, बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर विवाद हुआ था और वो विवाद होते होते यहाँ तक पहुँच गए, जिसकी वजह से इनके सामान नुकसान हुआ। 160 रुपया इन्होंने मांगा था उस शख्स से, लेकिन उसी 160 रुपये को लेकर ये विवाद इतना बढ़ा कि आज यहाँ दुकान में घुसकर इनके साथ मारपीट की गई है। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने पुलिस को भी इसकी जानकारी दी और पुलिस ने इन्हें मुंब्रा पुलिस स्टेशन बुलाया है।